केसीआर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष ने केसीआर एक्स खाता खोलने के बाद कांग्रेस सरकार की आलोचना की। महबूबनगर में पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया कि जब खाना खा रहे थे तो दो बार बिजली गुल हो गई। एक्स से जुड़ने के बाद उन्होंने लगातार 3 ट्वीट पोस्ट किए। केसीआर ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। तेलंगाना राज्य में कई अजीब घटनाएं हो रही है। एक घंटे पहले महबूबनगर के सांसद उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी और पूर्व विधायक पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ के घर पर दोपहर का भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली दो बार चली गई। आए दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बिजली नहीं मिलने की शिकायत रहती है। इस मौके पर पूर्व विधायकों ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दिन में से 10-10 बार बिजली गुल हो जाती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य में शासन करी कांग्रेस पार्टी की प्रशासनिक विफलता को इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। राज्य की जनता और बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। केटिया ने मल्ला रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया कि मलकाजगिरी से जीतेंगे। केटिया ने कहा कि मल्ला रेड्डी ने अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात कही है। उन्होंने टिप्पणी की है कि इटेला को पेड़ पर चढ़ाकर गिराना ही राजनीति है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटिया ने विधायक मल्ला रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया कि भाजपा उम्मीदवार इटेला राजेंद्र मलकाजगिरी लोकसभा सीट से जीतेंगे। पार्टी के उद्घाटन समारोह के मौके पर उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। मल्ला रेड्डी ने अपने राजनीतिक अनुभव से इटेला पर ऐसी टिप्पणी की है। मल्ला रेड्डी ने इस मामले में अपना राजनीतिक अनुभव दिखाया है। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी में बीआरएस पार्टी जरूर जीतेगी। राजेंद्र को भी इस बारे में पता है। कुछ लोगों को उसका मतलब समझ नहीं आया, इसलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा कि मोदी के विकसित दस्तावेज को विकासशील भारत की गारंटी के तौर पर लोगों के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खंडित भारत की नीतियों के साथ खंडित राजनीति से निपट रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव विकसित भारत और विभाजित भारत के बीच होगा। उन्होंने कहा कि जब यह स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन की हार निश्चित है, तो भारत को विभाजित करने की नीति सामने लाई गई। उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। महबूबनगर के विधायक यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने केसीआर पर महबूबनगर के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया, जो सीमांध्र के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने पूछा कि वे जिले में बस यात्रा क्यों कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा कि श्रीशैलम से शुरू की गई पालामुरु रंगारेड्डी परियोजना का 20% भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने पालामुरु के लोगों के हितों को गिरवी रखने के लिए एपी सीएम जगन की आलोचना की। एनएम ने आरोप लगाया है कि केसीआर बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो हार जाएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता इलेटी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी का ज़्यादा और राष्ट्रीय पार्टी को कम, ऐसे पार्टी को महत्व नहीं देते। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कह रहे कि बीजेपी के साथ फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। बीजेपी के नेता महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कभी 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास अब कम से कम 300 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी को जमा राशि नहीं मिल रही है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस द्वारा जीती गई 40-50 सीटों का दावा कर रही है। बिना कप्तान के रेवंत रेड्डी कैसे खेलेंगे फाइनल मैच? यदि भारत गठबंधन 50 सीटें जीतता है तो क्या कोई विपक्ष की स्थिति बता सकता है? कम से कम दो बार विपक्ष का दर्जा पाने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। बीआरएस नेताओं ने सीईओ विकास राज से बीजेपी के आदिलाबाद सांसद उम्मीदवार नागेश की शिकायत की। उन्होंने सीईओ से कहा कि चुनावी शपथ पत्र पूरा नहीं भरा गया है। बीआरएस नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में सीईओ से भाजपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने और कार्रवाई करने को कहा। बीआरएस नेता दासु श्रवण ने कहा कि चुनाव आयोग एक तरफा तौर पर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। नामांकन खारिज करने के सारे सबूत दिखाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि यह खारिज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं प्रदेश में भी चुनाव अधिकार भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। अपोलो जेएमडी संगीता रेड्डी ने कहा कि देश के विकास को देखते हुए सभी बुद्धिजीवी चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। संगीता रेड्डी ने अपने पति चेवेला बीजेपी एमपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के समर्थन में हैदराबाद में एक होटल में आईटी कर्मचारियों, स्कूल शिक्षकों और बुद्धिजीवियों द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया। विश्वेश्वर रेड्डी ने आईटी कर्मचारियों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के साथ चेवेला के विकास के लिए अपने विचार साझा किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह वादा करते हुए बेहद खुशी हो रही कि सभी बुद्धिजीवी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। संगीता रेड्डी ने लोगों से अपील की कि वे अगले चुनाव में भाजपा को वोट दें, क्योंकि मोदी ने देश में जो विकास किया है वह कोई और नहीं कर सकता। हुजूराबाद बीआरएस विधायक पहाड़ी कौशिक रेड्डी ने कहा कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के पास 22 बीआरएस विधायक थे, जिन्होंने उनसे कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, वे केसीआर के सिपाही बनकर काम करेंगे। कोमटी रेड्डी को मानसिक अस्पताल में भर्ती करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि हवाला कारोबार कोमटी रेड्डी संभव है। पटानचेर विधायक गुडे महिपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को लागू करने में बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने पटानचेरू विधायक गुडे महिपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को लागू करने में बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नेताओं की यह टिप्पणी की संसदीय चुनाव जीतने पर ही वादों को लागू किया जाएगा, लोगों को एक बार फिर से धोखा देना है। बीआरएस चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी ने जिनाराम मंडल के गद्दापोटाराम गांव में एक निजी समारोह हॉल में आयोजित जिनाराम
गुमेडला और बोलाराम मेढक संसद स्तर के चुनाव की तैयारी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पार्टी रैंकों को निर्देशित किया। केसीआर के नेतृत्व में हर गांव 10 वर्षों में विकास के पथ पर आगे बढ़ाए। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर एक भी वादा पूरा नहीं करने और कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। तारनाका डिवीजन की अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस में शामिल हुई। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता को स्कार्फ पहनाकर सादर आमंत्रित किया गया। डिप्टी मेयर मोती श्रीलता ने कहा कि वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वह कांग्रेस की पूर्व सरकार के शासन और सीएम रेवंत रेड्डी के घोषणा पत्र में उल्लिखित 6 गारंटी शुदा कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से आकर्षित है। तारनाका डिवीजन में वीसी लॉज बस्ती की कई मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाएं और लालापेटा के वरिष्ठ नेता कुमरैया जीएचएमसी के उप महापौर श्रीलता के नेतृत्व में स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर उन्हें कांग्रेस का दुपट्टा उड़ाकर पार्टी में गर्मजोशी से आमंत्रित किया गया। मेरठ जिले के पिरजादीगुड़ा नगर निगम चतुर्थ डिवीजन बियारस के अध्यक्ष यचराम श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। पिरजादीगुड़ा नगर निगम चतुर्थ डिवीजन बियारस के अध्यक्ष यचराम श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। स्वर्णिमन तेलंगाना के शहर से संभव होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है और आने वाले दिन में बियारस के दिन है। मेरठ जिले के पिरजादीगुड़ा नगर निगम 5वें डिवीजन बियारस के अध्यक्ष किरण कुमार गौड़ के नेतृत्व में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। स्वर्णिमन तेलंगाना के केसीआर से ही संभव है। किरण कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। बियारस ने वे कहा कि आगे आने वाले दिन इस कार्यक्रम में रामकृष्ण कोषाध्यक्ष अनिल गौड़, सलाहकार कृष्णा, टीआरएस रैंक के लोग व अन्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हो गए। वीएचपी नेताओं ने सीईओ विकास राज से मुलाकात की। सीएम ने केसीआर के खिलाफ ईसी से शिकायत की। नेशनल वर्किंग ग्रुप के सदस्य राम राजू ने कहा कि ये टिप्पणियां भी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। विहिप ने उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई कि लोग भगवान के नाम पर वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग से केसीआर की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। विहिप ने चुनाव आयोग से केसीआर को चुनाव अभियान में भाग लेने के रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महेश्वर निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के तहत नादरगुल में विद्या भारती विज्ञान केंद्र का शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। भारतीय क्षेत्र के संगम मंत्री सुधाकर रेड्डी ने कहा। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्यापीठ भारतीय अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की सहायक कंपनी के रूप में तेलंगाना में सेवा दे रही। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सरस्वती विद्यापीठ के तत्वाधान में 175 से अधिक शिशु मंदिर स्कूल पहले से ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ बंडलागुड़ा जागीर में एक स्विस स्कूल की स्थापना की गई थी। साथ ही हम नादरगुल में विद्या भारती विज्ञान केंद्र के उद्घाटन का जश्न मना रहे हैं। एमएमआरपीएस नेताओं ने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में भाजपा पार्टी की सिकंदराबाद संसदीय सीट पर फिर से जीत तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ ही मालिका समुदाय के साथ न्याय होगा। सिकंदराबाद संसद के लिए भाजपा उम्मीदवार किशन रेड्डी की जीत के लिए एमएमआरपीएस नेताओं ने सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मेट्टुगुड़ा डिवीजन के हमारी बस्ती में घर घर जाकर पर्चे बांटकर अभियान चलाया। किशन रेड्डी जो 30 वर्षों से मादिगा परिवार के साथ है ने सभी मादिगा समुदाय से उनका समर्थन करने का आह्वान किया। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने 2 चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। मन्नेगुड़ा से प्रसाद और गणेश को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी महीने की 16 तारीख को आरोपी प्रसाद और गणेश ने आईएस सदन में अकेली जा रही एक महिला के गले से चेन छीन ली। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मन्नेगुड़ा के रहने वाले के रूप में की है। आरोपी आयोजनों में डांसर का काम कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 ग्राम सोने की चेन और स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी को वारदात को अंजाम दे रहा था। महेश्वरम की डीसीपी सुनीता रेड्डी ने बताया कि सिलसिलेवार चोरियों करने वाले चोर मुदंगी भीमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलासा हुआ है कि नादरगुल में एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले में